नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिससे पूरा शहर दहल उठा। दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग जख्मी हुए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस ब्लास्ट को बड़ी साजिश बताया है और मौके पर जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची। उसके बाद जो खुलासा आतंकियों को लेकर हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। लुधियाना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोर्ट में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके में दो लोगों की जान चली गई तो वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच शुरुआती तौर पर एजेंसियों और पुलिस को साजिश का अंदेशा लगा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लगता है कि ये धमाका बम असेंबल करते वक्त हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि मरने वाला शख्स भी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसने धमाका किया और क्यों इस साजिश को अंजाम दिया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि यह आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। वहीं गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास बताया। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कोर्ट में धमाके को साजिश करार दिया। सीएम चन्नी ने बयान जारी कर कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। इसे लेकर सरकार सचेत है, लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। बेअदबी की कोशिश की गई, सफल नहीं हुई, अब ब्लास्ट किया गया। मैं राज्य के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे ने अब तेजी से सियासी तूल पकड़ लिया है, लेकिन हादसे में गनीमत ये रही है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कोर्ट में लोगों की भीड़ नहीं थी क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही थी। वहीं सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये धमाका चुनाव में मुद्दा और उसके पहले भी तनाव की वजह बन सकता है, लेकिन पूरे हालात पर केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार भी नजर बनाए हुए हैं और आरोपी की तेजी से तलाश की जा रही है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने इसे साजिश करार दिया है, तो वहीं गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं जांच एजेंसियां तेजी से मामले की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किसने इस साजिश को अंजाम दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।